रस भूलने लगे। सरकारें खुद हाके कदम चूम चूम कर पत्थर भी आदमी की तरह बोलने लगे। है सीना इश्क का पैकर बिलाल हुशी का, जमाना देख ले तेवर बिलाल हुशी का। नबी का देख कर चेहरा अजान पढ़ते हैं, है कितना अच्छा मुकद्दर बिलाल हुशी का। हजरत आप देख रहे हैं मिंबर रसूल पे जहां उलमाए किराम का नूरानी काफिला जलवागर है, उसी बीच आज के इस बज़्मे मोहब्बत के मेहमान खुसूसी पैकरे इखलास सदरे इजलास गुले गुलजारे सियादत पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत सहरा में कदम रख के रश के चमन बना देने वाली शख्सियत हुजूर सैयद आले रसूल मियां साहिब किबला, और साथ ही साथ आज की इस बज़्मे मोहब्बत के खुसूसी खतीब गुले गुलजारे सियादत हुजूर सैयद कमरुल हसन मियां साहिब किबला सैयद आले उबा उर्फ तैयब मियां साहिब किबला, ये शहजाद खान मिंबर रसूल पे तशरीफ फरमा है। यकीन जानिए ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से एक साथ चांद और सूरज जमीन पे उतर आए हो। अल्लाह पाक इन लोगों का साया देर तक हमारे सरों पे सेहत और तंदुरुस्ती के साथ बाकी रखे ताकि ये इक्तिसाब फैज होता रहे। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि बड़े बड़े जलसों में अगर बड़े बड़े खुतबा बड़े बड़े शोरा बड़े बड़े मुकाबा बड़े बड़ा उतबा अगर आते हैं तो जलसा कामयाब हो जाता है। लेकिन अगर किसी जलसे में अल्लाह के रसूल का कोई शहजादा तशरीफ ले आए तो फिर वो जलसा अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाता है। यकीन जानिए हुजूर तशरीफ ले आए हैं, मुश्ताक अरमानी का ईमान और अकीदा तो ये कहता है कि अक्सर रुखे जमाल महफिल में आए हैं, अक्सर रुखे जमाल महफिल में आए हैं, इस दौर के बिलाल महफिल में आए हैं। गौसुल फरा को आज तो आना ही पड़ेगा कि गौसुल फरा के लाल महफिल में आए हैं, गौसुल फरा को आज तो आना ही पड़ेगा, गौसुल फरा के लाल महफिल में आए हैं। हुजूर सैयद साहिब किबला और शहजाद खान के मुबारक चेहरों की आप लोग जियारत कीजिए, अगर मोहब्बत से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी निगाहों की रोशनी में बढ़ोतरी होती जा रही है। इस वक्त हुजूर सैयद आले रसूल मियां साहिब किबला के हुक्म की तामील में शहर किच्छा उधम सिंह नगर उत्तराखंड से तशरीफ लाया हुआ एक खूबसूरत लहजा जो जब बुलंद होता है, जब वो नाद पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हरमैन शरीफैन से आजान की आवाज आ रही है। जनाबे मोहतरम कारी शहनशाह साहिब किबला मिंबरे रसूल पे तशरीफ फरमा है, मैं बड़े अदब के साथ उनको आवाज दे रहा हूँ। वो रंगे संगे मरमर से तराशा हुआ चांद सा पैकर, संगे मरमर से तराशा हुआ चांद सा पैकर कानों में कई तरह से रस घुल रहा है। जब बात ये करता है तो होता है ये महसूस कि इंसान नहीं ताजमहल बोल रहा है।